हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, आज हम करेंगे अधिगम। तो साइकोलॉजी में अधिगम यानी सीखना, ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से दो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम जिसे हम सीखना कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम यानी सीखना क्या है? सीखना जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष जो अनुभव होते हैं उनसे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग सीख रहे हो, ये क्या है? अधिगम है, सीखना है। आप लोग इसको पढ़ के सीख जाओगे और सीखने के बाद अपने अनुभवों के द्वारा अपने स्टूडेंट के सामने जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप वहां पर पेश होगे, उनको आप सिखाओगे, तो वो क्या होगा? अधिगम होगा। जहां आप कुछ सीखते हुए बच्चों को अपना ज्ञान बांट रहे हो तो वो अनुभव है आपके, जो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो। तो ये सब जो है किसमें आ जाएगा? सीखने में आ जाएगा। और सीखना जिसमें आपका अनुभव भी लगा और आपने जो है प्रैक्टिस की, यानी इनको पढ़ा, आपने याद किया, ये दोनों ही शामिल हो जाएंगी। और इसके द्वारा आपका जो बिहेव है इसमें एक जो परिवर्तन आएगा जो कि हमेशा आपके माइंड में फिट रहेगा, यानी कि स्थायी जो परिवर्तन है वही अधिगम है। जिसमें जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी आपने प्रैक्टिस की है, इसके द्वारा होने वाले व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। ठीक है, जो भी आपके पूर्व अनुभव हैं, पूर्व ज्ञान है, इनके कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा? सीखने में आ जाएगा। अब इंसान जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ सीखता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो कुछ ना सीख रहा हो। ठीक है, जब वो पैदा होता है तो पैदा होने के बाद ही उसकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को सिखाना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से जो है वह उंगली को उठाए, किस तरीके से वह स्माइल करे, किस तरीके से जो है वह माँ को जो है देखे कि माँ जो है वो आके उसके पास में आकर बैठे। ये प्रक्रिया जो है स्टार्टिंग हो जाती है जब वो पैदा होता है उसी के बाद से। थोड़ा बहुत जो है जब वो बड़ा होता है तब वह चलना फिरना जो सीखता है वहां भी उसे सिखाया ही जाता है, अधिगम कराया जाता है। ठीक है, और फिर जो है स्कूल में जाता है तो वहां पर अध्यापकों द्वारा उसे सिखाया जाता है, किताबी ज्ञान जो है दिया जाता है, तब वह सीखता है। पिछले जो जो भी उसके एक्सपीरियंस है उसको लेकर स्कूल में जाता है, कभी भी कोरी स्लेट के द्वारा वहां नहीं जाता है। ठीक है, कोरी स्लेट के साथ वहां नहीं पहुंचता है, यानी कि एक्सपीरियंस उसके साथ साथ चल रहे होते हैं और आगे का सीखना जो है वो जारी रहता है। उसके बाद जब वो बड़ी क्लासेस में आ जाता है तब उसके साथ उसके अनुभव जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, वह चीजों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से देखना जो है सीख जाता है, कल्पनाएं चिंतन जो है वह उसका प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जब वह कॉलेज लाइफ में पहुंचता है तब कंपटीशन एग्जाम के द्वारा जो है वह सीखता है कि कंपटीशन एग्जाम में फाइट करके ही मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जॉब को पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? जो भी प्रोसेस चल रही है ये सीखना या फिर अधिगम में ही आ रही है। जब वह उसका शादी विवाह हो जाता है वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, गृहस्थ जो जीवन है उसमें प्रवेश करता है और लास्ट में जब वो बुजुर्ग हो जाता है तब भी वह सीख रहा होता है। आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों को कि बैठकर जो है भगवान का ध्यान करते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है, ऐसा कोई भी पल नहीं होता है जब हम कुछ भी ना सीख रहे हों। एक शांत व्यक्ति जो एक जगह पर बैठा है वह उस वक्त भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। ठीक है, और इन सब प्रक्रियाओं से क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब ये तो मैंने बात की अधिगम की, यानी सीखने की, अधिगम ये है। अब हम देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है सीख रहा होता है, क्या एक अस्वस्थ व्यक्ति जो कि मादक पदार्थों का सेवन करता है क्या वो अधिगम में आ जाएगा? नहीं, वो अधिगम में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड जो है उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका संतुलन जो है वह नहीं है। ठीक है, तो जब वह इन मादक पदार्थों का सेवन करता है उससे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, जो भी ऊटपटांग एक्टिविटी कर रहा है वो अधिगम में नहीं आएगा। शारीरिक हो या मानसिक रोग हो जिसके कारण जो भी परिवर्तन आ रहा है वह सीखना या अधिगम में नहीं आएगा। जो भी वह स्वप्न देख रहा है उसके द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है उसमें वो भी सीखने में नहीं आएगा। ठीक है, या फिर जैसे कि व्यक्ति जो है वो थक जाता है,
ठीक है, या कोई भी उसे बीमारी है उसके कारण जो चेंजमेंट आ रहा है वो अधिगम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो अधिगम में क्या आ जाएगा, जो भी हमने एक जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसकी मानसिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, खूब बढ़िया है वो, और जो भी अनुभव वह ले रहा है जीवन से, जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके द्वारा उसके व्यवहार में जो चेंजमेंट आ रहा है, और वो भी कैसा चेंजमेंट, बिल्कुल स्थायी परिवर्तन, तो वह क्या है, अधिगम है, सीखना है। सीखना या अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, हर लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, मानसिक प्रक्रिया यानी हमारे माइंड से संबंधित एक प्रोसेस है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है, तो यही क्या है, अधिगम है। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ बिहेवियर, अधिगम जो है वो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अब ये अधिगम चाहे प्रत्यक्ष तौर पर हो अनुभव, या अप्रत्यक्ष अनुभव हमने लिए हो, इसके आधार पर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, तो वो परिवर्तन कैसा होगा, एक स्थायी परिवर्तन होगा, वही क्या है, अधिगम है। अधिगम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर हमारे व्यवहार में होने वाला कैसा परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन है। अब इस स्थायी परिवर्तन के दौरान हमने कई गलतियां की होंगी सीखते वक्त, तो जो क्या जो गलतियां हैं वो भी अधिगम में आएंगी, बिल्कुल वो अधिगम में ही आएंगी, क्योंकि व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, तो वह भी अधिगम में ही आ जाएगी। अब परिभाषाओं से जो है और भी क्लियर होगा। मार्गन कहते हैं कि अभ्यास और अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। तो मार्गन जो है, जो कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इसके आधार पर हमारे व्यवहार में जो चेंजमेंट आ रहा है उसको कह रहे हैं कि ये क्या है, अधिगम है, ये क्या है, सीखना है। तो याद रखें इन दोनों शब्दों को, कि मार्गन जो है अभ्यास और अनुभव, इन दोनों को ही कह रहे हैं कि इनके द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है, और वह क्या है, अधिगम है। विलियम वुडवर्थ ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है, यानी हम आगे जाके जो भी नवीन ज्ञान ले रहे हैं आगे की लाइफ में, जिन प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं, जो भी नवीन प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, तो उनसे हमने क्या लिया, अनुभव लिया। ठीक है, उनका अर्जन ही क्या है, सीखना है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन क्या है, सीखना है। फिर देखें गेट्स कहते हैं, अब गेट्स मार्गन ने जो है अभ्यास और अनुभव इन दोनों को शामिल करके बताया कि उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। गेट्स जो है वो केवल अनुभव की बात करते हैं, कि केवल अनुभव के आधार पर जो है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। स्किनर कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है इसमें उत्तरोत्तर अनुकूलन क्रमिक सामंजस्य की जो प्रोसेस है वही क्या है, अधिगम है, जिसने हमें एडजस्टमेंट करना सिखाया, वो भी क्रमिक तौर पर, तो वो क्या है, व्यवहार है। ठीक है, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम जो है वह आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। अधिगम जो है वह आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। तो क्रो एंड क्रो इनका क्या कहना है, कि जो सीखना है जो कि आदतों के द्वारा व्यक्ति ने सीखा, कुछ उसकी आदतें हैं जिस वजह से वो सीखा, ज्ञान उसके द्वारा सीखा, जो उसका दृष्टिकोण है उसके द्वारा वह सीखा, और व्यक्ति को जो है उद्देश्य की प्राप्ति के योग्य ये बनाता है। ठीक है, तो वो क्या है, अधिगम है। तो इसीलिए आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, इनका अर्जन क्या है, अधिगम है। गिलफोर्ड कहते हैं कि पूर्व निर्मित व्यवहार, जो भी पूर्व व्यवहार है या परिवर्तन के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार या परिवर्तन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आया वही क्या है, अधिगम है। किंग्सले गैरी कहते हैं कि अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, अभी परिभाषाएं जो है वो आप कैसे याद करोगे, तो देखिए अपनी तरीके से जो है इनको ऐसे जोड़कर देखिए। जिस तरीके से हमने जो है मार्गन की परिभाषा देखी, तो वहां दो शब्द पकड़िए कि वो अधिगम में अभ्यास और अनुभव की बात करते हैं, वहीं गैट्स जो है वो किसकी बात करते हैं, वो केवल अनुभव की बात करते हैं, कि उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन वो अधिगम है। ठीक है, विलियम वुड कहते हैं कि जो नया ज्ञान हमने लिया है, जो भी नवीन प्रक्रियाओं से हम गुजरे हैं उसको हमने अर्जित किया है, वो अधिगम है। क्रो एंड क्रो ये क्या कहते हैं, अब क्रो एंड क्रो यानी वो एक जो छोटा बच्चा है वो
जो है वो काए काए करके जो है वह रोता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, उसकी आदत है, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा में जो है एक आदत शब्द आया है अधिगम में, ठीक है। ज्ञान आया है, अभिवृत्तियां आई हैं। वहीं गिलफोर्ड में देखिए, पूर्व निर्मित व्यवहार या परिवर्तन के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। वहीं किंग्सले गैरी की परिभाषा याद करना और भी आसान है। किंग्सले गैरी यानी किंग यानी राजा, ठीक है। अब राजा जो है जिसके यहाँ पे सैनिक क्या करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के द्वारा जो है वह सीखते हैं, नए नए जो है वो टेक्निक का यूज करते हैं, और जिसके द्वारा जो है उनके जो है व्यवहार में जो है चेंजमेंट आता है, और वो जंग जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। आपको इन्हें जो है वो एक तो समझना है, समझ तो आप बहुत अच्छे से गए हैं कि अधिगम क्या है। जहां आपने ये समझ लिया है कि अधिगम जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा आपने ये समझ लिया है कि इसके द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन जो है वो स्थायी होता है, ठीक है। और यहाँ दो शब्द आपने देखे कि अभ्यास और अनुभव, इन दो शब्दों की बात की गई है कि सीख कैसे सीखता है इंसान, या तो अभ्यास से सीखता है या अनुभवों के द्वारा सीखता है, ठीक है। और उसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या है, सीखना है। इन सभी परिभाषाओं से यही समझ में आ रहा है। अब परिभाषाएं जो है एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि ये परिभाषा किसकी है, तो इसके लिए आपको क्लू जो है वो थोड़े से यहाँ पर क्लू ढूंढने पड़ेंगे। कैसे, किंग्सले गैरी जो हैं तो बिल्कुल याद रखिए, किंग्सले गैरी जो हैं जिन्होंने बात की थी नवीन तरीके के व्यवहार की बात की थी, और अभ्यास के द्वारा, ऐसे आप याद करिए। मार्गन जैसी आए आपके उसमें एग्जाम में कि अभ्यास और अनुभव की बात हो रही है, बिल्कुल आप वहाँ बहुत अच्छे से कर दोगे, मार्गन है वही, ठीक है। गेट्स आए, गेट्स केवल अनुभव की बात करते हैं, तो परिभाषा में देखिए केवल गेट वो अनुभव ही होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है क्रोनबेक की, ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अब क्रोनबेक जो है वह भी क्या, किसकी बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, जहां गेट्स जो है वह भी अनुभव की बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए पेवलोव की परिभाषा बहुत ही आसान याद रख पाओगे, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही है अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत जो है पेवलोव की थ्योरी का ही नाम है। तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। तो यहाँ पर ये जो पेवलोव हैं, एक कुत्ते पर जो है वो प्रयोग करते हैं, उसकी लार ग्रंथि पर प्रयोग करते हैं। पहले तो कुत्ते को जो है वो भोजन दिखाते हैं, तो स्वतः ही लार जो है स्वाभाविक तौर पर लार जो आ ही जाती है, ठीक है। तो वो ये देख लेते हैं, इसी में जो है वो बदलाव लाते हैं। कैसे करते हैं, अब वो भोजन नहीं देते हैं, पहले वो घंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं, ठीक है। अब घंटी बजाते हैं, कोई लार नहीं आती है, क्यों आएगी लार, क्योंकि लार जो है वो भोजन को देखकर ही आती। तो पेवलोव ने घंटी बजाई, कोई लार नहीं आई, लेकिन घंटी बजाने के बाद उन्होंने एक चीज और जोड़ दी, भोजन दे दिया। तो अब जो कुत्ते को भोजन दिया गया, तो उससे पहले घंटी बजाई जाती, तो घंटी जो है जैसे ही बजाते मुंह में लार आ जाती, यानी जो कार्य वो भोजन के रूप में पहले लार आ रही थी, अब वो घंटी बजने पर ही आने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुत्ते के साथ जो प्रयोग किया, तो उसने अनुकूलन जो है वो घंटी से बैठा लिया, ठीक है। तो ये जो है इनकी थ्योरी, जो कि हम थ्योरी में पढ़ेंगे जब हम इसको देखेंगे कि इस तरीके से कुत्ता जो कि स्वाभाविक तौर पर भोजन को देखकर जो है सीख गया था लार टपकाना, और जब उसके साथ अनुकूलन किया गया, ठीक है, तो वह घंटी को, घंटी की आवाज से ही उसके जो है लार आना प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आदत का निर्माण है वही अधिगम है, ऐसा पैवलोव ने कहा। हर्गिन होन क्या कहते हैं कि सीखना जो है व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतः शक्ति में अनुभूति के कारण होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं, जो मूलतः बीमारी हो सकती है, थकान हो सकता है, या कोई दवाइयाँ ले ली हैं, औषधि आदि से उत्पन्न होते हैं, उसकी व्याख्या इससे नहीं की जा सकती। किससे की जा सकती है, अनुभूति के कारण जो परिवर्तन होता है उससे की जा सकती है। यदि
जो अस्थायी शारीरिक अवस्थाएं जो कि कुछ क्षण के लिए होती हैं, कुछ पल के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती हैं। कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। और फिर वह जो व्यवहार करता है वो सीखने में नहीं आएगा, या थकने के बाद जो ऐसी एक्टिविटी हो जाती है या कोई औषधि का जो है सेवन ले लिया हो, इसके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, अधिगम नहीं है। पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसमें उसके वातावरण के अनुसार होते चले जाता है। तो पील के अकॉर्डिंग अधिगम जो है वह कैसे होता है, अधिगम जो है जो परिवर्तन होता है सीखने के दौरान व्यक्ति में, वो केवल और केवल इन्वायरमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में व्यक्ति जो है जहाँ पर वो रहता है तो ये चीज़ उसके साथ जो भी घटित हो रही है तो वो होती चली जाती है, तो वो सीखता भी चला जाता है। तो ये पील कहते हैं कि इसके लिए कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण में जैसा भी हो रहा है, जो भी इन्वायरमेंट है उसी में होते चला जाता है अधिगम, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए विशेषताएं, अधिगम जो है वो लक्ष्य उन्मुखी होते हैं, यानी लक्ष्य की तरफ जो है उन्मुख होते हैं। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो बालक है वो अपने द्वारा जो भी पूर्व निर्धारित किए गए उसके उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। जो भी उसने अनुभव और अभ्यास किया है उसके द्वारा जो भी उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, कंपटीशन की तैयारी करके यानी अधिगम करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जॉब लेना। अनलर्निंग भी क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। गलती करना भी अधिगम है, क्योंकि गलतियों से भी इंसान जो है वह सीखता है। अधिगम क्या है, समायोजन है। अब समायोजन क्या होता है, समायोजन जो है ये भी निरंतर चलता है, जैसे अधिगम चलता है ये भी एक निरंतर चलने वाली क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपना और अपने वातावरण के बीच में जो है संतुलन स्थापित करके और व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो अधिगम जो है वो क्या है, समायोजन है, जिससे कि वो एडजस्ट होना सीखता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। अधिगम वातावरण के फलस्वरूप ही होता है। तो जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, सोचिए, अभी अभी मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी जिसमें अधिगम जो है वो वातावरण के फलस्वरूप होता है। पील के अकॉर्डिंग जो अधिगम जो है वो व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उस समय उसके वातावरण के अनुसार जो है वो होता चला जाता है। जो भी वातावरण में हो रहा है उसको देखकर वो सीख रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा ही जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता चला जा रहा है। अधिगम जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष में आप अधिगम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र विशेष में आप अधिगम नहीं करेंगे, या इंडिया में आप अधिगम कर रहे हैं, लंदन में जाएंगे तो वहां आप कुछ नहीं सीखेंगे, हर परिस्थिति में आप सीखेंगे। तो ये एक क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो विशेषता है, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अधिगम अनुभवों का क्या है, संगठन है। तो वही बात जो हमने परिभाषा में देखी थी, ठीक है, कि अर्जित व्यवहार, जो भी व्यवहार अर्जित किया है उसकी जो प्रकृति है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, स्थायी होती है। और अधिगम अनुभवों का क्या है, संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होते हैं, वही अधिगम लक्ष्य उन्मुखी होता है। एक उद्देश्य जो कि डिसाइड किया होता है जो भी व्यक्ति है उसने, और जो भी जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करेगा कैसे, अधिगम के द्वारा। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की क्या है, उपज है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। एक व्यक्ति विशेष जो है वह भी जब वो अकेला होता है तब भी वो अधिगम कर रहा होता है, जब वह समाज में होता है और एक ग्रुप में, वहां पर भी वह कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो इसीलिए अधिगम जो है व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो सीखने के द्वारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जो है उसका सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि एक जो बालक है जिसे हम सिखाते हैं कि जो अच्छे तरीके से है, आप बैठना सीखिए, अच्छे तरीके से बोलना सीखिए, ठीक है, तो इससे क्या है, उसका जो है शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। और जब वह इन चीजों को अप्लाई करता है तो समाज के लोगों द्वारा उसको देखा जाता है, ठीक है, तो सामाजिक विकास तो उसके द्वारा होगा ही। तो अधिगम जो है वो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है।
उसके बाद देखिए सीखना तथा परिपक्वन, ठीक है, ये दो शब्द जो हैं वह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें जो है अंतर जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखने से तो दोनों ही शब्द अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत महत्व है, लर्निंग एंड मैच्यूरेशन, ठीक है। तो क्योंकि सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये एक मानसिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वन जो है जो कि एक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि हमारे फिजिक्स से संबंधित है। यहाँ पर जो है व्यक्ति में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि सीखने में हमने देखा कि यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक परिवर्तन जो है वह होता है, ठीक है, जिसके कारण सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का। तो परिपक्व जो है वो एक निश्चित आयु या एक निश्चित अवस्था तक चलती है, लेकिन सीखना हमने देखा ये जीवन पर्यंत चलता है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखना चालू है। यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है प्रशिक्षण जो है वह दिया जाता है जब व्यक्ति सीखता है, प्रैक्टिस करता है जब सीखता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेता है जब सीखता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई महत्व नहीं है इन चीजों का। यहाँ ना तो कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा ना ही कोई अभ्यास, यहाँ तो परिवर्तन होगा। परिपक्व जो यानी कि एक शारीरिक प्रक्रिया है और शरीर में परिवर्तन जो है वो ऑटोमेटिक होगा ही। सीखना जो है वो एक अर्जित प्रक्रिया है जो हमने अर्जित की है, बाहर से हमने देख देख कर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसको अनुभव लेकर हमने अभ्यास के कारण उस चीज को अर्जित किया है। जबकि परिपक्व ये क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया है जो कि जन्म से जुड़ी है, हमारे शरीर से संबंधित है। अधिगम और परिपक्वता पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, ये तो एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर क्रियाएं हैं। बात तो उस व्यक्ति की ही है जो अधिगम कर रहा है और उसी व्यक्ति की बात है जो मैच्योर हो रहा है, ठीक है, मैच्यूरेशन यानी मैच्योर से संबंधित है। तो जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है ये दोनों तो ये एक दूसरे पर डिपेंड तो होंगी ही। परिपक्वन के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि अधिगम के कारण व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन नहीं बल्कि कैसे परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिसके बाद जो है उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ पर एक चीज को समझिए कि जब हम अंतर कैसे कर पाते हैं एक लड़का और लड़की में, ठीक है, जब हम बचपन से ही देखते हैं कि बचपन में जब एक छोटा बालक और बालिका जब बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, जब वो एक जैसे दिखते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे जो है उनके फिजिक्स में चेंजमेंट आते हैं, ठीक है, तो वो शारीरिक परिवर्तन ही क्या है, परिपक्वन है। और जब वो 18-19 वर्ष का हो जाता है, किशोर या किशोरी हो जाते हैं, तब उनमें जो चेंजमेंट आता है, ठीक है, तब वो उनके शारीरिक परिवर्तन की बात होती है, तो वही परिपक्वन है, वही मैच्यूरेशन है। तो वहां शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, जबकि यहाँ पर अधिगम में जो है वो मानसिक परिवर्तन होता है। अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, जैसा हमने बात कर ली, जबकि परिपक्वन जो है वो एक निश्चित आयु या अवस्था तक ही चलता है। 18-19 साल के बाद देखिए ज्यादा चेंजमेंट नहीं आते हैं, व्यक्ति धीरे धीरे जो है जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी जो है हाइट आप देख लीजिए ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है, 19-20 तक जो है वो मैक्सिमम जो हाइट जो है वो बढ़ जाती है, यानी उसका जो फिजिकल जो भी चेंजमेंट हो रहा होता है वो 20 वर्ष तक जो है वो हमें लगातार देखने को मिलता है। उसके बाद जो है बहुत कम लोग जो हैं जो जिनकी हाइट बढ़ती है या जिनके फिजिकल चेंजमेंट जो आता है, लेकिन एक निश्चित आयु जो है परिपक्वन में होती है, जबकि अधिगम में कोई निश्चितता नहीं है। परिपक्वता में अभ्यास और प्रशिक्षण को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती ना ही कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, ये तो कैसा है, स्वाभाविक परिवर्तन है। जबकि अधिगम में जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है, अभ्यास भी होता है, अनुभव भी होते हैं, इनका महत्व जो है किसमें रहता है, अधिगम में होता है। तो यहाँ पर अधिगम की हमने विशेषताएं समझी, उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अधिगम के चरण, सोपान या प्रक्रिया, कि किन किन चरणों से होकर जो है गुजरा जाता है और तब व्यक्ति जो है अधिगम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, तब तक जो भी पढ़ा है जो भी परिभाषाएं पढ़ी हैं इनको आप गौर से देखिए, समझिए, अपनी तरीके से जो है इनमें ट्रिक लगाइए या इनको समझकर याद करने की कोशिश करिए, डेफिनेशन जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है।
तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीखना या अधिगम क्या है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।